हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू आर रियली क्लोज टू अ वाइल्ड एनिमल। ये मेन क्यू कार्ड की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है ताकि उस मेन क्यू कार्ड को देख के आप उसे फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जामिनर को फुल फ्रीडम रहती है कि आपको वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पार्ट थ्री में पूछे, लेकिन ये वेरी मच पॉसिबल है कि आप जो भी आइडिया अपने क्यू कार्ड में बोलेंगे उसके कनेक्शन में ही आपको एग्जामिनर फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेंगे। यानी कि आपके आंसर में से ही कुछ वर्ड्स, कुछ आइडियाज़, कुछ कॉन्सेप्ट्स उठा के आपको एग्जामिनर फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस बुक में 1 to 78 नंबर के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। चलिए वन बाय वन अब हम क्वेश्चंस को समझते हैं। डू यू लाइक टू कीप पेट्स? क्या आपको घर पे पेट्स रखना पसंद है? अब यहाँ पे आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। ना बोलो तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए, हाँ बोलो तो भी आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम हाँ में ज़्यादा बोल सकते हैं, इसलिए मैंने येस का सैम्पल आंसर प्रिपेयर किया है। अगर आपको पेट्स नहीं भी पसंद है तो डोंट वरी, नोबडी विल कम होम एंड चेक कि आपको सच में पेट्स पसंद है या आपके घर में पेट है या नहीं। येस आई डू, जी हाँ मुझे पसंद है। आई लव टू कीप डॉग्स, मुझे घर पे डॉग्स रखना पसंद है। आई फील दे आर द बेस्ट कंपेनियन एंड दे आर वेरी फेथफुल, मुझे लगता है कि डॉग्स जो है वो बहुत अच्छे साथी है और वफादार भी है। बट माई फैमिली मेम्बर्स डू नॉट लाइक डॉग्स एज पेट्स सो आई कैनॉट ब्रिंग अ डॉग होम, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स को डॉग्स नहीं पसंद है इसलिए मैं घर पे डॉग नहीं ला सकता। कीपिंग अ डॉग पेट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, डॉग को पेट की तरह रखना बहुत महंगी प्रवृत्ति है और ये बहुत समय भी ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक दैट एनिमल्स हैव फीलिंग्स? क्या आपको लगता है कि पशुओं को फीलिंग्स होते हैं? येस ऑल एनिमल्स हैव फीलिंग्स, जी हाँ सभी पशुओं को फीलिंग्स होते हैं। दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स लाइक वी ह्यूमंस डू, बट दे डू एक्सप्रेस इट थ्रू देयर एक्शंस, वो हमारी तरह यानी ह्यूमंस की तरह उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी एक्शन से, अपने बर्ताव से ज़रूर इसे व्यक्त कर सकते हैं। आई हैव हर्ड ऑफ मंकीज एंड डॉग्स गेटिंग एंग्री एंड बाइटिंग पीपल, बट आई हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ देम बींग अटैच टू देयर मास्टर्स, मैंने सुना है कि कभी कभी बंदर और कुत्ते लोगों पर गुस्सा हो जाते हैं और उनको काट लेते हैं, तो ये उनकी फीलिंग्स हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि ये अपने मालिक से अटैच हो जाते हैं, सो ये पॉजिटिव वाली फीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉट डू थिंक अबाउट पीपल हु हार्म एनिमल्स? जो लोग एनिमल्स को, पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, आप उनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हो? आई फील दैट दोज पीपल हु हार्म एनिमल्स आर इनसेंसिटिव, मुझे लगता है कि जो लोग पशुओं को हानि पहुंचाते हैं वो असंवेदनशील है। दे शुड बी पनिश्ड, उन्हें हमें पनिश करना चाहिए। एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स एंड दे हैव इक्वल राइट्स एज ह्यूमंस, पशु भी एक जीव है और उनके भी ह्यूमंस जैसे एक समान अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुड एनिमल्स बी अलाउड टू रोम फ्रीली? क्या हमें एनिमल्स को फ्रीली यहाँ वहाँ घूमने देना चाहिए? दिस इज़ अ डाइसी क्वेश्चन, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। आई फील येस एंड नो बोथ, मुझे लगता है कि हाँ या ना दोनों होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ बोले या ना बोले। यू कैन ऑलवेज से कि ये प्रश्न सोचने जैसा है, इस प्रश्न, ये क्वेश्चन डिबेटेबल है, थॉट प्रोवोकिंग है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। द आइडिया इज़ टू टॉक इन इंग्लिश, कन्वे टू द एग्जामिनर दैट आई नो इंग्लिश एंड आई हैव रिच रेंज ऑफ वोकैबुलरी। ओके, द आइडिया इज़ नॉट टू आइडियली आंसर द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। फाइन, डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी फ्री टू रोम सो दैट दे कैन हैव देयर ओन फ्रीडम, जो पालतू प्राणी है उन्हें आज़ादी से घूमने देना चाहिए ताकि वो अपनी आज़ादी जी सके। हावेवर इफ़ दे हार्म द सिविलियंस देन इट इज़ रिस्की, लेकिन अगर वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर ये बात रिस्की हो जाती है। अ गुड आइडिया वुड बी टू हैव अ स्पेशल पार्क फॉर देम, अ स्पेशल प्लेस वेर दे कैन हैव देयर ओन हैबिटेट, ये एक अच्छा आइडिया होगा कि हम उनके लिए एक स्पेशल पार्क यानी गार्डन जैसा बना दें तो वहाँ पर वो अपना हैबिटेट यानी रहने की जगह बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुड चिल्ड्रन बी टेकन टू द जू? क्या बच्चों को जू में ले जाना चाहिए? ओ येस, ऑल द चिल्ड्रन शुड विजिट द जू फॉर श्योर, सभी बच्चों को एक बार तो जू जाना ही चाहिए। ओनली देन दे कैन सी द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम क्लोज एंड एक्सपीरियंस द वाइल्ड लाइफ,
तो ही वो एनिमल्स को, खास करके जंगली पशुओं को नज़दीक से देख पाएंगे और वाइल्ड लाइफ को अनुभव कर पाएंगे। मैनी एनिमल्स कैन बी सीन ऑन टीवी एंड इन बुक्स, बट हैविंग अ क्लोज लुक इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। बहुत सारे पशुओं को हम टीवी पे भी देख सकते हैं, बुक्स में भी देख सकते हैं, लेकिन उनके नज़दीक जाना एक अलग ही फीलिंग है। सो फ्रेंड्स, इस फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, इमेजिनेटिव आंसर है, प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लगता है कि आपको फॉलोअप क्वेश्चंस में एग्जामिनर पूछ सकते हैं, यू कैन डिस्कस विद मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।